तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक ब्लॉग। तो मेरे पास आज हीरो की ड्यूट स्कूटी और जिसमें प्रॉब्लम आई हुई है, हमारे जो माइलेज की प्रॉब्लम आई, बाइक जो बिल्कुल माइलेज नहीं दे रही है। तो इसका सबसे पहले हमको खोलना स्पार्क प्लग। यहाँ पे लगा होता है इसका स्पार्क प्लग, तो हम स्पार्क प्लग खोल के चेक करेंगे ये वाकई में माइलेज नहीं दे रही है क्या। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले प्लग पाने को लगाएंगे और इसका जो स्पार्क प्लग होता है वो पूरा खोल लेंगे। तो फटाफट से हम यहाँ से स्पार्क प्लग इसका खोलते हैं और इसका माइलेज चेक करते हैं। तो यहाँ से हमारा स्पार्क प्लग खुल गया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका माइलेज। तो देखो माइलेज तो बहुत कम दे रही है बट कम दे रही है, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रही। तो इसको सेट करेंगे फटाफट से। हम कैसे सेटिंग करना ये बताएंगे और स्पार्क प्लग को क्लीन करेंगे और इसका एयर फिल्टर पहले खोल के हम चेक करेंगे। एयर फिल्टर तो खराब नहीं हुआ है। एयर फिल्टर अगर हमारा खराब है तब भी जो हमारी बाइक एवरेज नहीं देगी, जो हमारी स्कूटी है वो हमारी एवरेज नहीं देगी। तो इसका हम एयर फिल्टर खोलेंगे, इसका स्पार्क प्लग को जो क्लीन करेंगे। तो फटाफट से ये कर रहे हैं। देखो हमारा स्पार्क प्लग जो प्रॉपर क्लीन कर लिया हम लोगों ने, प्रॉपर हमारा नया जैसा होगा स्पार्क प्लग। तो अब स्पार्क प्लग को हम रखते हैं साइड में और इसका एयर फिल्टर हम खोलते हैं, ये वाला एयर फिल्टर, और इसको चेक करते हैं खराब है या अच्छा है। और इसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमारे सारे स्क्रू हैं एयर फिल्टर के, वो हमारे खुल गए बट एक स्क्रू बचा हुआ है, तो उसको भी हम खोल लेते हैं। उसके बाद इसका एयर फिल्टर को निकालते हैं बाहर। तो यहाँ से हमारा एयर फिल्टर खुल गया, ये बॉक्स निकल गया, ये हमारा कवर निकल गया और यहाँ पर हमारा एयर फिल्टर है, ये प्रॉपर निकल जाएगा पूरा। देखो एयर फिल्टर ये हमारा, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ज़्यादा तो ख़राब नहीं हुआ बट क्या करेंगे, इसमें हम हवा मारेंगे, प्रेशर से जितना भी डस्ट वगैरह होगा वो सब निकालेंगे। तो फटाफट हम इसमें हवा वगैरह मार लेते हैं। तो ये हमने क्लीन कर लिया हवा जो हमने मार लिया, ये भी क्लीन कर लिया, बॉक्स भी क्लीन कर लिया इसका। अब हम क्या करते हैं, इस वाला एयर फिल्टर को खोलते हैं। यहाँ पर भी एक एयर फिल्टर होता है हमारा, यहाँ पर एक स्क्रू होता है, यहाँ पे वन स्क्रू होता है जो इसको पेचकस से हम खोल लेंगे। फटाफट से हम यहाँ पे स्क्रू को खोलेंगे, ये देखो यहाँ पे स्क्रू रहता है, तो इसको हम फटाफट से खोल लेते हैं। ये वाले एयर फिल्टर को भी क्लीन कर, क्योंकि अभी क्या हमको माइलेज सेटिंग करना है तो हमको प्रॉपर देखना पड़ेगा इसका एयर फिल्टर चोक तो नहीं है। तो दोनों एयर फिल्टर को हम खोल के चेक करेंगे, उसके बाद ही हम इसका माइलेज सेट कर सकते हैं। तो फटाफट से हम दोनों एयर फिल्टर को खोलते हैं और चेक करते हैं। अगर प्रॉब्लम हुई एयर फिल्टर में तो एयर फिल्टर को हम क्लीन करवाएंगे, अगर नया डालना पड़ा तो हम नया भी डाल देंगे। तो पहले हम यहाँ का स्क्रू खोलते हैं, उसके बाद इसका एयर फिल्टर कैसे निकालना है इस साइड का ये बताते हैं। तो यहाँ से हमारा स्क्रू ये खुल गया। अब इसका एयर फिल्टर निकालने के लिए चार आंकड़े रहते हैं, इस तरीके से उठाना रहता है, इस तरीके से यहाँ से दबा के चार होते हैं चारों साइड में। तो ये चारों जो लॉक होते हैं हमारे वो निकल जाएंगे, तो हमारा जो एयर फिल्टर कवर है ऊपर का वो इस तरीके से निकल जाएगा। तो ये एयर फिल्टर कवर निकल गया, इसमें एयर फिल्टर लगा हुआ, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ से निकाल के इस साइड में, देखो कितना ज़्यादा इसमें डस्ट है, बहुत ज़्यादा। तो इसको हम क्या करेंगे, पेट्रोल से क्लीन करेंगे। तो फटाफट से हम पेट्रोल से एयर फिल्टर को क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका जो एवरेज है माइलेज सेटिंग करते हैं। तो एयर फिल्टर को क्लीन करते हैं, उसके बाद फिटिंग कैसे करना है ये बताते हैं। चलो फटाफट से हम सारा काम वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एयर फिल्टर क्लीन हो गया, इसको मैंने पेट्रोल से जो क्लीन कर लिया, इसमें जितना भी डस्ट वगैरह था सारा हो गया। अब इसका एयर फिल्टर भी हमने प्रेशर से क्लीन करवा लिया, देखो प्रॉपर क्लीन हो चुका है एयर फिल्टर भी हमारा। तो एयर फिल्टर को हम फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये एयर फिल्टर हमारा इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से इसको लगा देंगे। अब इसके बाद जो हमारा बाहर का कवर है उसको भी हमने कपड़े से क्लीन कर लिया। तो कपड़े को उससे क्लीन करने के बाद इसका एयर फिल्टर का जो बाहर का कवर उसको लगा के फाइनली कम्प्लीट जो हम फिटिंग करने वाले हैं, और ये एयर फिल्टर को हम इसमें फिटिंग करने वाले हैं। इस तरीके से इसको फिटिंग कर लेंगे, इसको घुमा के बैठा लेना सेम, जब ये बैठ जाएगा देखो इस तरीके से बैठ गया पूरे कवर में। तो अब इसको हम इसी तरीके से लगा देंगे, इसी में बैठा रहेगा, और चलते हैं उस साइड में और उस साइड में इसको लगाना कैसे ये बताते हैं। यहाँ पे जो होल है ये वाले होल को हम इस तरीके से लगाएंगे, पीछे रहेगा जो हमारा होल है वो हमारा पीछे रहेगा, और इसको जो हमने चार आंकड़ों से निकाला था उससे हम इसको फिटिंग कर देंगे इस तरीके से। देखो ये चार आंकड़े में हमने इसको फंसा लिया है, ये देखो फंस गए चारों में, चारों चेक कर लेना, अगर नहीं बैठा रहेगा आंकड़े में तो ये हमारा जो हवा के जैसा आवाज़ करेगा, एयर जैसा लेगा। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको हम स्क्रू जो हमारा होता है स्क्रू लगा के ये एयर फिल्टर को हम कंप्लीट टाइट कर लेते। तो हमारा एयर फिल्टर यहाँ का कंप्लीट हो चुका है, स्क्रू हमने टाइट कर दिया, और इस साइड का हमारा जो कवर वो लग रहा है इसको भी हम फटाफट से टाइट कर लेते हैं। और उसके बाद इसका माइलेज सेट करते हैं, बताते हैं आप लोगों को कहाँ पर इसका एयर स्क्रू होता है और कहाँ पर इसका स्लो और फास्ट करने का स्क्रू होता है। तो फटाफट से हम ये काम कर लेते हैं, उसके बाद इसकी जो फिट सेटिंग करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा एयर फिल्टर कंप्लीट हो चुका है, ये वाला भी एयर फिल्टर लग गया, इसका स्पार्क प्लग भी हमने लगा दिया है। अब इसका माइलेज सेट करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं।
यहाँ से तो हमारी बाइक जो स्टार्ट हो गई है, ये देखो स्टार्ट हो गई। अब हम इसका माइलेज सेट करते हैं। तो माइलेज सेट करने के लिए पतला पेचकस लगेगा और यहाँ पे जहाँ पे मेरा पेचकस है यहाँ पे हमारा स्लो और फास्ट करने का आरपीएम का स्क्रू है, इससे हम ये वाले स्क्रू को फुल टाइट कर देंगे। फुल टाइट करने के बाद बाइक बंद हो गई, तो वापस से चालू कर लेता हूँ। तो ये वाला स्क्रू जो हमारा, इसको हम फुल टाइट कर देंगे। ये हमारा स्लो फास्ट का स्क्रू जो यहाँ पे लगा रहता है, तो इसको हम फुल टाइट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा फुल टाइट हो चुका है। अब हम चलते हैं उस साइड में, और उस साइड में इसका एयर स्क्रू कहाँ पे होता है ये बताते हैं आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे जो हमारा एयर स्क्रू, ये जो माइलेज सेटिंग का स्क्रू है, यहाँ पे लगा होता है। तो इसको हम फुल टाइट करने के बाद इसको धीरे धीरे खोलना है। फुल टाइट करने के बाद जो धीरे धीरे खोलना, और जहाँ पे फुल रेस हो जाए वहीं पे इसको रोक देना, बिल्कुल आराम आराम खोलना है। और जहाँ पे हमारा प्रॉपर जो जैसी हमारी जो प्रॉपर जो हमारा बाइक का इंजन होता है फुल जो आवाज़ करने लगे तब इसको रोक देना, मतलब जहाँ पे ज़्यादा फास्ट हो जाए। तो अब इसके बाद यहाँ से हम इसको बाइक की जो हमारी स्कूटी है उसको स्लो कर देना, बिल्कुल इंजन को स्लो कर देना है, एंडिंग कर देना है, क्योंकि हमारा माइलेज सेट हमने जो था वो कर दिया, एयर स्क्रू भी सेट कर दिया, और जो हमारा आरपीएम का स्क्रू वो भी हम सेट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो हमारा देखो, और स्लो कर लेता हूँ, और स्लो कर लेता हूँ। तो बस इतने भी हमने रोक दिया, अब हमारी बाइक नहीं बंद होगी। यहाँ पे थोड़ा रेस दे के देख लेते हैं और बाइक को। तो यहाँ पे जो हमारी माइलेज की प्रॉब्लम थी वो हो गई है दूर। एक बार वापस से मैं सेल्फ मारता हूँ और बाइक स्टार्ट होती है या नहीं, तो स्टार्ट होने लगी प्रॉपर। इसका माइलेज जो वो सेट हो चुका है। तो अब बचा हमारा पूरा कंप्लीट जो फाइबर जो हमने पीछे का खोला था वो हम कंप्लीट फिटिंग कर देंगे। ये देखो बाइक स्टार्ट प्रॉपर होने लगी है, बाइक स्टार्ट होने लगी। यहाँ पे रेस दे के देख लेते हैं, बाइक प्रॉपर हो गई है। अब जो हमारी वहाँ पे जो बॉडी रखी हुई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारी बॉडी कंप्लीट फिटिंग करते हैं, बाइक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बाइक दे देते हैं, तो वीडियो करते हैं एंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।